subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. एक तरफ कोरोना वायरस के प्रकोप से लोग परेशान हैं, तो दूसरी तरफ लगातार रोजाना आ रहे भूकंप और उसके बाद आ जाई तेज तूफान के बाद तेज बारिश और उसके बाद हुई ओलावृष्टि से जहां आम आदमी परेशान है, तो वहीं दुकानदारों का और भी बुरा हाल है। उनका कहना है, एक तो कोरोना की वजह से काम नहीं और ऊपर से तूफान ने और सब खराब कर दिया। दिक्कत हो रही है, हम तो भैया घर जा रहे हैं, अब सब बहुत दिक्कत हो रही है, हम सब घर जा रहे हैं। कैसे भाई, इतनी तेज बारिश पड़ रही है और तूफान आ रहा है, कितना नुकसान हो रहा है इसमें? इसमें बहुत नुकसान हुआ है हमारा और काम बिल्कुल है ही नहीं। जब से कोविड-19 कोरोना स्टार्ट हुआ है तब से काम बिल्कुल खत्म हो चुका है और ये हमें भगवान की मारो झेलनी पड़ रही है ऊपर से। भैया तूफान आ रहा है, मौसम सुहावना तो है पर मौसम सुहावने से कुछ नहीं, साथ में कोरोना की महामारी भी चल रही है। महामारी ये मुझे लगता है कि ऊपर वाला हमसे बहुत तरीके से रुष हो चुका है। एक महीने के अंदर 3 बार भूकंप आ चुका है, हर दूसरे दिन तूफान आ जाता है, ऊपर से कोरोना की महामारी। मुझे लगता है सर भगवान जी धरती पलट के मानेंगे जी बिल्कुल भी। तेज तूफान के बाद आई तेज बारिश और ओलावृष्टि से दुकानदार इतने परेशान हो गए कि वो अपनी दुकानों पर समय से पहले ताला लगाकर अपने घर की ओर बढ़ने लगे। जबकि उनका कहना है कि एक तो वैसे ही सरकार की तरफ से समय कम मिला हुआ है और ऊपर से ये तेज बारिश और ये तूफान उनके काम को और ज्यादा खराब कर रहा है। अब ऐसे में जहाँ एक तरफ किसानों को नुकसान है तो वहीं दुकानदार भी परेशान है। अब देखना होगा कि आखिर ये तूफान कब खत्म होगा, कब ये भूकंप के झटके खत्म होंगे, कब ये कोरोना जाएगा और आम आदमी चैन की सांस ले पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्विक न्यूज़।